नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेज अपग्रेडेशन पर। आज शुरू करते हैं इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट। अक्सर इस प्रकार के क्वेश्चन जो है कि हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और 5 से 6 क्वेश्चन रहते हैं, इसमें मुश्किल से 1 मिनट सिर्फ लगेगा। आज मैं वो आपको मेथड बताने जा रहा हूँ जो आपने कभी नहीं देखा होगा। जी हाँ, ऑप्शन, सबसे पहले ऑप्शन देखना है, फिर क्वेश्चन देखना है और आंसर टिक करना है। जी हाँ, सिर्फ ऑप्शन से क्वेश्चन आज सोल्व होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसके कॉन्सेप्ट को। इनइक्वालिटी में जो कॉन्सेप्ट है, जब भी इस प्रकार का एक्सप्रेशन रहे, जब भी, तो सबसे पहले इसमें कुछ बेसिक जान लेते हैं। जैसे इसका मतलब होता है लेस देन और इक्वल टू, इसका होता है लेस देन, इसका होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये आपका हो गया इक्वल। हमारे पास ये एक्सप्रेशन रहते हैं। जब भी आपका इस प्रकार का एक्सप्रेशन रहे तो आपको चेक करना है फर्स्ट चीज साइन चेंज। साइन चेंज मतलब ऐसे से जा रहा है, एक बार ऐसे हो गया। यहां पर क्या हुआ, ये आपको कहलाया साइन चेंज। सेकेंड, नो रिलेशन बिटवीन द एक्सप्रेशन इफ देर इज साइन चेंज। इसका मतलब है ए बी सी, इसी तरह से अगर डी आया है तो इसमें क्या होगा, नो रिलेशन बिटवीन ए एंड डी, बी एंड डी, सी एंड डी बिकॉज ऑफ साइन चेंज। यहां पर साइन चेंज हुआ है इसलिए इसके बीच में कोई रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा और हमारा एक्सप्रेशन क्या होगा, वो फॉल्स हो जाएगा। तो चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन आज हम लोग करते हैं और पता लगाते हैं कि कैसे जो है कि ऑप्शन को सिर्फ देख करके हम लोग आंसर पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। तो देखिए हमारे सामने 5 क्वेश्चन है। सबसे पहले ऑप्शन देखना है, क्या ऑप्शन में पहला कंक्लूजन है, आर और के फाइंड आउट कीजिए। आर और के कहां है, आर यहां है, के यहां है, दोनों के बीच में कहीं साइन चेंज है। देखिए यहां पर साइन चेंज है, यहां पर आपका साइन चेंज है, साइन चेंज, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये एक्सप्रेशन गलत हो गया। सेकेंड के और आर फिर उसी के बीच में, इसलिए ये एक्सप्रेशन गलत हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, बोथ आर रॉन्ग। सेकेंड क्वेश्चन, इस एक्सप्रेशन में देखिए और ऑप्शन देखिए, एन और एल, एन कहां है, एन यहां है, एल कहां है, यहां है, कोई एक्सप्रेशन चेंज है, नहीं है। यहां पर देखिए एन बड़ा है एल से, सही है, एन बड़ा है एल से। सेकेंड पी और ई, अब देखिए पी और ई के बारे में, पी कहां है, पी यहां है, ई कहां है, यहां है, दोनों के बीच में कोई एक्सप्रेशन चेंज है, नहीं है। मतलब कि देखिए टी बड़ा है ई से तो पी भी बड़ा होगा ई से, ये भी एक्सप्रेशन सही है। इसका आंसर हो जाएगा बोथ आर राइट। नेक्स्ट एक्सप्रेशन देखिए, ऑप्शन देखिए, मैं क्या बोल रहा हूं, सबसे पहले ऑप्शन देखिए, डी और एस, डी कहां है, यहां है, एस कहां है, यहां है, कोई एक्सप्रेशन चेंज है, नो एक्सप्रेशन चेंज है, यानी कि रिलेशन बनेगा। देखिए इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू आया है, समझे, इसका मतलब क्या हुआ, साथ में क्या है, ग्रेटर देन भी है,
यानी कि D either greater than S होगा या फिर D equal to S होगा, इसमें ये क्या होगा इधर केस, इधर ये ट्रू, कोई एक केस सही होगा, क्यों, क्योंकि या तो ग्रेटर देन होगा या फिर इक्वल टू होगा। चलिए नेक्स्ट एक्सप्रेशन, ये हमारे पास एक्सप्रेशन है, ऑप्शन देखिए N और P, N कहां है आपका, देखिए N कहां है, N आपका यहां है, P कहां है, यहां है, कोई एक्सप्रेशन चेंज हुआ है, नो एक्सप्रेशन चेंज, देखिए यहां पर क्या है, सब जगह क्या इक्वल टू है, नहीं है, यहां पर देखिए ग्रेटर देन है, इसलिए ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यहां पर क्या होता N ग्रेटर देन P, ये सही होता, N ग्रेटर देन P ये सही होता। फिर उसके बाद देखिए आप Q और Y देखिए, Q और Y कहां है, Q आपका यहां है, Y यहां है, दोनों के बीच में कोई एक्सप्रेशन चेंज है, कोई एक्सप्रेशन चेंज नहीं है, यहां पर देखिए ग्रेटर देन है, यानी कि Q क्या, यानी कि Y क्या है, बड़ा है Q से, देखिए Y बड़ा है Q से, ये एक्सप्रेशन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, Y और U है, Y कहां है, Y यहां है, U कहां है, U यहां है, कोई एक्सप्रेशन चेंज है, कोई एक्सप्रेशन चेंज नहीं है, इसमें क्या है, मतलब Y मतलब क्या है, ये सारे एक्सप्रेशन Y से छोटे हैं, ठीक है, Y greater than U, ये सही है। नेक्स्ट T greater than V, T कहां है, T यहां है, और V कहां है, V यहां है, दोनों के बीच में कोई एक्सप्रेशन चेंज है, यस एक्सप्रेशन चेंज है, देखिए यहां पर एक्सप्रेशन यहां पर है आपका साइन चेंज, साइन चेंज, जैसे ये साइन चेंज होगा ये एक्सप्रेशन क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट क्वेश्चन बनेगा, समझे ना, विदिन वन मिनट के अंदर आप 5 क्वेश्चन इसमें आराम से बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। सबसे पहले क्या देखना है, ऑप्शन देखना है, ऑप्शन देखने के साथ ही यदि साइन चेंज है तो एक्सप्रेशन ऑटोमेटिक ही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जैसे n greater than l था, n यहाँ है, l यहाँ है, कोई एक्सप्रेशन चेंज नहीं है, देखिए यहाँ पर क्या है, ये लेस देन का है, मतलब l लेस देन n है, यहाँ पर लिखा हुआ n greater than l, बिल्कुल सही है, बोथ आर राइट हो गया। जहां भी आपको एक्सप्रेशन चेंज मतलब साइन चेंज मिलेगा वहां पर वो उसका कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आज आपने मैंने आपको दिया है और आप इसको सोल्व कीजिएगा, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा और मेरा दावा है कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो आज का इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट लेकर आया था और इस प्रकार के क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे जाने लगे हैं और आजकल तो सीईटी हो गया है, इसलिए आपका ये सब क्वेश्चन की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और ये सब क्वेश्चन हमेशा आएंगे ही आएंगे, इसलिए आप प्रैक्टिस कीजिए और हमेशा हमारे चैनल नॉलेज अपग्रेडेशन को देखते रहिए, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको हाई लेवल का रीजनिंग विद क्वालिटी कॉन्सेप्ट मिलता है। तो चलिए यहाँ पर क्लास को समाप्त करते हैं और नेक्स्ट डे कुछ नया टॉपिक के साथ फिर से आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।